भारतीय जनता युवा मोर्चा का नेता हुआ चोरी के आरोप में गिरफ्तार। भाजपा युवा नेता की चोरी की हरकत हुई सीसीटीवी में कैद। सभी कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पार्टी विद द डिफरेंस, ये नारा है भारतीय जनता पार्टी का। और देश में महंगाई कितनी भी चरम पर पहुंच जाए मगर उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, ये कहने वाले भाजपा के भक्त। ऐसे ही एक भाजपा के युवा मोर्चा के पदाधिकारी मुकुल ठाकुर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में रहते हैं। और हमीरपुर की एक दुकान में, जिसके मालिक है सुभाष चंद्र हंसराज, इनकी दुकान पर 26 अगस्त को मुकुल ठाकुर पहुंचे। उन्होंने कारों की हेडलाइट्स, मोबाइल चार्जर का स्टैंड, एलईडी ट्यूबलाइट, कार एयर फ्रेशनर, ऐसे कई कीमती सामान, लगभग जिनकी कीमत 18,000 रुपए, वो दुकान से मुकुल ठाकुर ने चुरा लिए। पूरी ये घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जिसके आधार पर सुभाष चंद्र हंसराज ने भोटा पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज कराई। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी भाजपा की युवा विंग जो है उसके ये पदाधिकारी मुकुल ठाकुर, इसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस की पूछताछ में उसने चोरी का आरोप भी स्वीकार कर लिया, साथ ही पूरा सामान भी जो चुराया गया था वो उसके पास से बरामद किया है। सामान की बरामदगी के बाद जब उसे न्यायालय में खड़ा किया गया तो न्यायालय ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। कैसी मुकुल ठाकुर भाजपा के युवा पदाधिकारी ये चोरी कर रहा है, उसका सीसीटीवी फुटेज हम आपको इस खबर में दिखा रहे हैं।